राधे राधे। आज मैं आप सबके लिए आलू पापड़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू के पापड़ खाना सभी को बहुत पसंद होते हैं। बस कोई ऐसा तरीका मिल जाए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही ज़्यादा जल्दी और बहुत ही ज़्यादा 1 मिनट में बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ। ना तो आपको ना इसमें बेलना है, ना ही आपको इसमें तो स्टीम करना है, और बहुत ही आसान तरीके से आप पापड़ बना सकते हैं। और जितने भी आप बिना टेंशन के फटाफट से, आप देख रहे होंगे कैसे ट्रांसपेरेंट से हमारे पापड़ हैं, इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तो यहाँ वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कच्चे आलू लिए थे। तो आलू का साइज मैंने ये वाला लिया था, 2 लिए मैंने। इनको मैंने अच्छे से काट लिया था। काटने के बाद इसका छिलका बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर छिलका रहता है तो ये काला हो जाता है। और अच्छे से इसे 2 से 3 पानी में धो लेना है, जैसे आप देख रहे हैं। धोने के बाद मैंने आप इस तरह से पानी में ही डाल के रखा है। अब इसे जब बनाना है, जब ही इसको पीसना है, इससे पहले बिल्कुल नहीं पीसिएगा, नहीं तो ये काला हो जाता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना है तो यहाँ पे, और अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा आपका कलर चेंज हो जाएगा और अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे जार ले लिया है। अब यहाँ पे मैं सारे आलू को बिना पानी के ही हमें पीसना है, तो मैं जार में डाल देती हूँ इस तरह से। और इससे पहले भी मैंने सूजी के पापड़ की रेसिपी डाली है, तो आप उसे देख सकते हैं। वो भी मैंने बहुत आसान तरीका बताया था। ये मैं पीस के लाती हूँ फटाफट से। यहाँ मैंने इसको पीस लिया है। पीसने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा लगता है ये। और इसे हमें नापना है, तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई रख ली है, और जितना हमारा इस तरह से ये तैयार हुआ है, आप देख रहे होंगे इस तरह से। अब यहाँ पे आप कटोरी, कप का, किसी का भी नाप ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से छान लेना है, क्योंकि मोटे मोटे टुकड़े रह जाते हैं। तो ये 2 आलू में 1 कप ही निकलता है। तो ये सारा मैं निकाल लेती हूँ, और इसे थोड़े थोड़े से छोटे टुकड़े रह जाते हैं छानना, इसलिए अगर हम महीन कर सकते हैं तो फटाफट से हम महीन निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह से छान लिया है, और इसे आप दोबारा भी पीस सकते हैं अगर आपकी मिक्सी में। तो ये लाइव वीडियो है, तो मैं बस आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ, जो भी रहेगा दोबारा नहीं पीसूंगी। पर पहले पीस के रखती तो ये काला हो जाता है, तो इसलिए नहीं पीसा था मैंने। तो मैंने इसको छान लिया है, और छानने के बाद ज़्यादा नहीं निकलता है, बस थोड़ा बहुत ही रहता है अच्छे से पीसने के बाद। तो चलिए इसको मैं बाद में यूज कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने जैसे 1 कप हमारा निकला है इसका आलू का गूदा, तो यहाँ पे हमें 2 कप पानी डालना है। तो नाप का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर 1 कटोरी है तो 2 कटोरी डालिएगा, 1 कप है तो 2 कप डालना है। तो यहाँ मैंने 2 कप पानी डाल दिया है, और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, सारी विधि बताऊंगी, आप आसानी से कैसे बना सकते हैं मिनटों में आप पापड़। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह से कढ़ाई को रख लिया है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, आप मीडियम से, मीडियम गैस पे करना है पहले, हमें हाई पे नहीं करिएगा, बिल्कुल मीडियम से लो पे करना है। और क्योंकि ये आलू है, तो आलू को गैस पे रखते हैं तो इसे लगातार चलाना जरूरी होता है, नहीं तो ये आपको पता है नीचे लग जाएगा। तो यहाँ मैं अभी थोड़ा तेज पे दिखा रही हूँ, आप मीडियम से लो पे चलाइएगा। अभी आपको लगेगा ये इतना पानी है, पर 5 मिनट में ही देखेंगे ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। तो मैं इसमें एक एक ट्रिक्स बताती जाऊंगी कब क्या डालना है। तो और इसमें अगर आप चाहें तो इसमें 2 पिंच सोडा डाल सकते हैं, पापड़ खान डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पे पापड़ खान तो नहीं है,
और ना मैं सोडा डाल रही हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, फिर भी बहुत बढ़िया बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो जो जुड़ता जाए, हमारे को अपने कमेंट देता जाए। तो यहाँ बस मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि लाइव वीडियो में आपके सामने जो भी बनेगा वो आपके सामने ही रहेगा, और मैं बनने के बाद कैसा होना चाहिए वो भी आपको बताऊंगी, कैसा पीछे से दिखना चाहिए, बस मेन वो ही दिखाना है। तो सिर्फ 5 मिनट दिखाऊंगी, 5 मिनट में ही ये आप देखेंगे गाढ़ा हो जाएगा। तो ये ऐसे चलाते रहेंगे, गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे आप मीडियम से लो पे करेंगे, इसे हमें कम से कम 18 से 20 मिनट इसे आपको पकाना है। तो 18 से 20 मिनट बाद कैसा लगता है मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। और इसमें नमक बहुत कम डालिएगा, क्योंकि जैसे मैंने 2 आलू लिए हैं तो नमक, क्योंकि आलू में नमक ज़्यादा नहीं डाला जाता है, वैसे ही ज़्यादा लगता है। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च जीरा भी डाल सकते हैं, पर ये आप व्रत में भी खा सकते हैं इन आलुओं को, ऐसा नहीं है। और ये फटाफट से तैयार हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ तैयार होने के बाद इसकी लेयर कैसी दिखनी चाहिए, क्योंकि वो मेरा बन चुका है। तो यहाँ पे जब ये इस तरह से, मैं गैस को बंद कर रही हूँ, इसे पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो आप ये देखेंगे पीछे से ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ अब मैं इसको दिखाती हूँ, इसमें एक तरह की इस तरह से जब आप ये ऐसे काटेंगे तो आप इसे करेंगे तो ये आपस में नहीं मिलेगा। आप देख रहे होंगे इस तरह से ये आपस में नहीं मिलता है। तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे हमारा बैटर तैयार हो चुका है आलू का। तो यहाँ पे ये पहचान है बस। तो यहाँ मैं इस गैस को बंद कर दिया है, इसे 5 से 7 मिनट ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही आपको यूज करना है। तो चलिए अब मैं आपको इस तरफ ले आई हूँ दोबारा से। तो वो मैंने आपको पहचान बता दी है, 15-20 मिनट बाद आपको कैसे चेक करना है। पर आपको लगेगा कि 10 मिनट में ही इस गैस को बंद कर दें, ऐसा हो गया, पर नहीं, इसे धीमी आंच पे। अब जैसे ये गाढ़ा हो गया है, जैसे आप देख रहे होंगे इस तरह से, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं गाढ़ा हो जाता है। इसको बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच, मैं आपको दिखा देती हूँ गैस की, बिल्कुल आपको धीमी आंच रखनी है और इस तरह से लगातार चलाना है। कम से कम वही 15 से 20 मिनट पकाना है, और उसके बाद आपका बैटर उस तरह से तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को मैं यहीं बस, आप समझ आ गई होगी आपको, इस तरह से गाढ़ा होता चलता है। मैं आपको चमचे से दिखा देती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है इस तरह से, पर इसे धीमी धीमी आंच पे इस तरह से चलाते रहना है। चलिए अब मैं आपको इसको तोड़ने का तरीका बताती हूँ, ये पापड़ हमें कैसे तोड़े जाते हैं, तो वो मैं आपको तरीका बता रही हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर मेरी कोशिश रहती है दोस्तों, लाइव वीडियो में जितना छोटा हो सके दिखा सकूँ, पर आपको इतना नहीं तो समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइव में इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकती हूँ, आप सबको बताएं। तो यहाँ मैंने एक पिन्नी रख ली है, और बीच में मैं आपको ये भी दिखाती जाऊंगी कैसे लगता है। तो यहाँ मैं इस तरफ आ चुकी हूँ, ये 5 से 7 मिनट ठंडा कर लीजिएगा, ये लाइव वीडियो है तो मैंने ठंडा नहीं करा है। कभी आप सोचे पीने में बना रहे, बाद में कमेंट लिखें, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, और इसको भी मैं दिखाती रहूँगी। तो चलिए अब क्या करना है, अगर आपको छोटे छोटे पापड़ बनाने हैं तो आप इस तरह से चमचा ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से ले सकते हैं, और एक चमचा डालेंगे तो छोटे छोटे पापड़ बनेंगे, तो आप 2 आलू के 50 पापड़ बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, मैं दिखाती हूँ आपको। अगर हम इस तरह का पतला वाला ट्रांसपेरेंट करते हैं तो ये रखने में संभालने में टूट जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ही आप देख रहे होंगे मोटा पापड़ करिएगा, तो ये पापड़ बहुत ही अच्छा रहता है, ना टूटता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आपको इस पापड़ बनाना है, जैसे मैंने आपको दिखाया, सूखने के बाद इस तरह से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं बड़ा पापड़, अगर आपको बड़ा पापड़ बनाना है तो आपने देखा ना, तो बेलने का झंझट है, और घर में सबके पास ये चमचा होता है, तो ये एक चमचे का नाप है, बस थोड़ा सा इस तरह से करिएगा, ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, सूखने के बाद अपने आप से भी पतला होता जाता है। तो बस मैं आपको इतना ही दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ सूखने के बाद सारे पापड़ हमारे कैसे तैयार होते हैं, और बीच में वो भी दिखाती हूँ। और तलने के बाद का, मैंने गैस पे कढ़ाई भी रख दी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतला नहीं डालना है, जैसे मैंने आपको दिखाया, एक चमचा तो बिल्कुल भर के डालिएगा, और इसको नहीं डालना है क्योंकि चलाते रहना है। तो
क्योंकि लाइव वीडियो तो आपने देखा होगा मैंने बीच में छोड़ा है और यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक का यूज करा है इसलिए नहीं लगा है। अगर आप स्टील की कढ़ाई में बनाएंगे तो आप देखेंगे नीचे से ये जम जाता है और लग जाएगा बैटर। तो बस ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है और इस तरह से धीमी करते हुए ये 20 मिनट तक आपको पका लेना है। तो चलिए अब मैं पापड़ तलना सभी को आता है तो अगर नहीं आता है तो मैं सिखा देती हूँ, नहीं तो यहाँ पे जिन लोगों को बहुत जल्दी है तो समझ लीजिएगा वीडियो खत्म हो चुकी है। जिनको देखना है पापड़ कैसे 1 मिनट में तल के आता है कैसा लगता है तो वो मैं सबको दिखा देती हूँ। तो चलिए जल्दी वालों के लिए तो बहुत है और यहाँ पे घी गरम होना चाहिए। तो अभी मैंने आप सबके सामने घी अभी रखा है, अभी मेरा घी गरम नहीं हुआ, मैं डाल के देख लेती हूँ क्योंकि तो यहाँ आप देख रहे होंगे अभी हमारा घी गरम नहीं हुआ है क्योंकि हल्का सा भी होना चाहिए, अगर तेज़ गर्म होगा ठंडे में डालेंगे तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी नहीं सिक रहा है। तो अभी मैंने क्योंकि दोनों कढ़ाइयाँ मेरी गैस भी आप देख रहे होंगे इसमें भिजी थी, थोड़ा सा मैं वो गर्म कर लेती हूँ इस तरीके से और जब तक मैं आपको बैटर भी दिखाती जाती हूँ। बस घी हमारा गर्म होने वाला है और इस तरह से अगर आप कच्चे आलू के बना के रखते हैं ना तो फटते हैं ना, इसमें आप बस धूप में सुखाइए और जब मन है 2 दिन में सूख जाते हैं धूप में। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो दोस्तों मैं नहीं कहूँगी आप बनाइएगा क्योंकि ये वाले पापड़ नहीं बनते हैं। अगर झूठ मूठ की कोई वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ इस वाले मैं नहीं कहूँगी, सूजी के जो हमने अगर साबूदाना के बनाते हैं, सूजी के बनाते हैं, चावल के बनाते हैं, वो स्टीम करके वो आप पंखे के नीचे सुखा सकते हैं, स्टीम वाले सूख जाते हैं दोस्तों, ये वाले नहीं सूखते हैं क्योंकि हम आपको कहें कि सूख जाएंगे और नहीं सूखे तो फिर सामान वेस्ट होता है। जो भी बनता है वो आपके सामने बनता है और मैं जो बताऊंगी आपको सही बताऊंगी। चलिए हमारा घी गर्म हो चुका है तो मैं पहले इसी को डालूंगी क्योंकि देख लोगे हाँ अब घी गर्म हो गया है। चलिए तो बस इसको हमें डालना है फटाफट से, तो आप देख रहे होंगे और 1 सेकंड नहीं लगता है इसे फट से निकल लेगा। तो यहाँ आप देख लोगे इस तरह से पापड़ तैयार होता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से ही पापड़ आप देख लोगे और इसे चिमटे से उतार सकते हैं, सिर्फ सेकंड में ही पापड़ तैयार हो जाता है। यहाँ आप देखा तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो मैं इसी तरफ ले आई हूँ, आपने देखा होगा पापड़ हमारे इस तरह से यहीं मैंने रखे हुए हैं। इन्हें आप बिल्कुल भी कोशिश करिएगा आपको धूप में सुखाना है, ठंडे में बिल्कुल नहीं सुखाना है। तो आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बनते हैं क्योंकि ये और तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्रिस्पी आलू के पापड़ बनके तैयार होते हैं। चलिए आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, कल फिर एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे, सबको बाय बाय। तो यहाँ पे सबके कमेंट का बाद में जवाब दूंगी, हमारे संग रेखा गुप्ता जी, आकाश जी, स्मृति जी और बहुत सारे मेंबर हैं, सबको थैंक यू, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और क्योंकि मैं सबके बाद में जवाब देती रहूँगी। बाय बाय।